नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल वॉल टॉक में। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कल कमेंट करके पूछा था कि J2 Pro को नोगट अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने फिर उनसे कहा कि इस डिवाइस को मिल जाएगा नोगट का अपडेट, क्योंकि सैमसंग ने इस डिवाइस को कोई भी मेजर अपडेट प्रोवाइड नहीं किया है। तो दोस्तों, फिर मेरे सब्सक्राइबर ने वापस से कमेंट करके कहा कि सैमसंग J2 सीरीज को कोई OS अपडेट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि सैमसंग गैलेक्सी J2 2015 मॉडल के बारे में सर्च किया। तो दोस्तों, मैंने देखा कि ये फ़ोन 5.1% में लॉन्च हुआ था और उसे भी अभी तक कोई सैमसंग ने मेजर अपडेट प्रोवाइड नहीं किया है। तो दोस्तों, हो सकता है कि J2 Pro को भी कोई मेजर OS अपडेट प्रोवाइड नहीं करे सैमसंग। लेकिन दोस्तों, मैंने सैमसंग लाइव चैट में पहले भी बात की और मैंने फिर कल भी बात की। तो दोस्तों, मैंने कल क्या बात किया, आप मेरे राज्य में कुछ स्क्रीनशॉट देख पाएंगे, जिनमें आप देख पाएंगे कि मैंने सैमसंग से क्या सवाल पूछा और सैमसंग ने मेरा सवालों का क्या जवाब दिया। तो दोस्तों, मैंने सैमसंग से जब पूछा तो सैमसंग बोला कि अगर कोई डिवाइस नोगट के लिए कॉम्प्लाई करता है तो उसे सैमसंग जरूर प्रोवाइड करता है नोगट का अपडेट। और दोस्तों, सैमसंग ने बाद में ये भी कहा कि सैमसंग उन डिवाइसेस को भी नोगट अपडेट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ यूजर। तो दोस्तों, यानी J7 2015 की बात करें तो दोस्तों, J7 2015 के बहुत सारे यूजर्स हैं और सभी यूजर्स को चाहिए, कहते हैं कि उन्हें नोगट अपडेट चाहिए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से सैमसंग जैसा कि बोला कि वो लोग सेटिस्फेक्शन ऑफ यूजर के लिए भी काम करते, तो दोस्तों मेरे ख्याल से J7 2015 को नोगट अपडेट सैमसंग प्रोवाइड करेगा। साथ ही J2 Pro जो कि एक हाईली पॉपुलर डिवाइस है, क्योंकि ये फ़ोन 2016 में जब लॉन्च हुआ था उस टाइम में J7 2016 भी लॉन्च हुआ, तो ये J2 Pro के भी काफ़ी डिमांड हुई थे 2016 में। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इस डिवाइस को भी नोगट अपडेट मिलना चाहिए। अब तो दोस्तों, ये देखना है कि सैमसंग इस डिवाइस को सैमसंग इसके बारे में क्या सोचता है। तो दोस्तों, ये तो मैं भी नहीं कह सकता या फिर कोई भी नहीं कह सकता कि सैमसंग किन किन डिवाइस को देगा नोगट का अपडेट। तो दोस्तों, अगर सैमसंग की इच्छा होगी तभी सैमसंग इस डिवाइस को नोगट अपडेट प्रोवाइड करेगा या फिर इस डिवाइस को नोगट अपडेट प्रोवाइड नहीं करेगा। और दोस्तों, मैं आप सभी को और एक बात बताना चाहूँगा कि J2 2015 जो कि लॉन्च हुआ था 2015 में, लेकिन सैमसंग ने इसे दो छोटा फोटो अपडेट प्रोवाइड किया है रिसेंटली। तो दोस्तों, ये किस लिए सैमसंग ने प्रोवाइड किया, क्योंकि ये 2 साल पुराना डिवाइस है और इस साल में ये करीब 3 साल का ये डिवाइस हो जाएगा, लेकिन सैमसंग अभी भी इस डिवाइस को फोटो अपडेट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि J2 Pro या फिर कोई भी और डिवाइस यानी J2 16 को भी सैमसंग आने वाले वक्त में कोई मेजर OS अपडेट प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से तो आप एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है बिपिन राज सिंह, उन्होंने कहा है कि मेरी राय क्या है इसमें। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से सैमसंग इस डिवाइस को जरूर मेजर OS अपडेट प्रोवाइड करेगा जो कि नोगट। तो दोस्तों, अगर इस साल सैमसंग इस डिवाइस को मेजर OS अपडेट प्रोवाइड नहीं करता है तो दोस्तों, आने वाले वक्त में इस डिवाइस को कोई भी चांस नहीं है कि इसे सैमसंग नोगट अपडेट प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि सैमसंग मेरे ख्याल से इस डिवाइस को मिलना चाहिए नोगट का अपडेट, और सैमसंग इस डिवाइस को जरूर प्रोवाइड करेगा इस डिवाइस को नोगट का अपडेट। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में सैमसंग इस डिवाइस को प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सभी को आपका सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।